मुख्यमंत्री बनने जा रहे अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वो सीएनजी के बड़े दामों को भी कम करने की कोशिश करेंगे। उन्होंने इशारा किया कि अगर सीएनजी के बड़े दाम वापस नहीं होते तो ऑटो रिक्शा किराया बढ़ सकता है। सीएनजी के दाम बढ़ाए जाने से बीजेपी ने आपको निशाना बनाना शुरू कर दिया है। बीजेपी नेता डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि सीएनजी के दाम इतने ज्यादा बढ़ाना बिना नई सरकार के लोगों के सहमति के बगैर लिया होगा। क्या ये सरकार का तोहफा है? हालिया विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी की करारी हार के बाद पहली बड़ी चुनावी कसरत के तहत कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने आज शीर्ष नेताओं और कांग्रेस शासित 12 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ रणनीति बैठक की, जिसमें पार्टी को पूरे दमखम के साथ चुनावी समर के लिए तैयार करने पर जोर दिया गया। उत्तर प्रदेश गृह विभाग के प्रमुख सचिव अनिल कुमार गुप्ता ने राहत शिविरों में बच्चों की मौत पर कहा कि राहत शिविरों में ठंड से किसी की मौत नहीं हुई है। ठंड से कभी कोई नहीं मरता। अगर ठंड से किसी की मौत होती तो दुनिया में सबसे ठंडे इलाके साइबेरिया में कोई जिंदा नहीं बचता। हालांकि उन्होंने माना था कि रिपोर्ट में निमोनिया के 3-4 मामले बताए गए हैं। गुजरात में एक युवती की जासूसी किए जाने के मामले की जांच के लिए आयोग गठित करने के केंद्र सरकार के प्रयासों में राजनीतिक प्रतिशोध के भाजपा के आरोपों को खारिज करते हुए कांग्रेस ने कहा कि यह एक वास्तविक आवश्यकता थी और आरोप लगाया कि युवती की जासूसी नरेंद्र मोदी के इशारे पर न सिर्फ गुजरात के अंदर बल्कि गुजरात के बाहर भी कराई गई। 2002 के गुजरात दंगा मामले में मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ दायर याचिका को खारिज करने के बावजूद उनके लिए अमेरिकी वीजा नीति में कोई बदलाव नहीं हुआ है। अमेरिकी विदेश विभाग के अधिकारी ने कहा कि मोदी को वीजा का आवेदन देने की अनुमति दी गई थी और साथ ही इस पर अमेरिकी कानून के तहत किए जाने वाले विचार के लिए इंतजार करने को कहा गया था। ऑफ स्पिन गेंदबाज रविचंद्रन अश्विन को 2012-13 सत्र के भारत के श्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टार के लिए दिए जाने वाले पॉली उमरीकर पुरस्कार दिया जाएगा। बीसीसीआई का ये वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह जनवरी में मुंबई में आयोजित होगा और इसी दौरान अश्विन तथा कई अन्य नामचीन खिलाड़ियों को विभिन्न वर्गों के पुरस्कार दिए जाएंगे। बॉलीवुड एक्टर आमिर खान की फिल्म धूम 3 बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त धूम मचा रही है। फिल्म ने सिर्फ 5 दिन में 233.57 करोड़ का बिजनेस कर लिया है। धूम 3 ने 5 दिन में घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 149.46 करोड़ का कारोबार करते हुए कुल मिलाकर 233.57 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है। विदेशी बाजारों में मिश्रित रुझान के बीच कोषों और खुदरा निवेशकों की दिवाली के बीच बम्बई शेयर बाजार का सूचकांक सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 97 से अधिक अंक चढ़ गया। सेंसेक्स 97.40 अंक या 0.46% चढ़कर 21,771.99 के स्तर पर पहुंच गया, जबकि हर खंड के सूचकांक में 1.34% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। न्यूज़ पॉइंट ब्यूरो।